नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए नमकीन मिक्सर बनाएंगे। ड्राई फ्रूट से बना ये नमकीन बहुत ही टेस्टी और एनर्जी देने वाला है। इसे हम व्रत के लिए तो बनाएंगे ही, इसे कभी भी बनाया जा सकता है, आपको हमेशा पसंद आएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। व्रत के लिए नमकीन मिक्सर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये आलू के लच्छे तलेंगे। ये हमने 4 आलू लिए और इनको छीला, कद्दूकस किया, 2 बार पानी में धो लिया और कपड़े से पोंछ कर ले लिया है। आलू लच्छा तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। ये हमने 1/2 कप बड़े वाले साबूदाना लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पानी और मिला देंगे। हल्के से ये हमें नरम बनाने हैं। 2-3 मिनट बाद फिर से हम इन्हें चला देंगे। तेल गरम हो गया, चेक कर लेते हैं। तेल में एक लच्छा डालकर देख लेते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं। हाँ, ये तल रहा है, अच्छी सिजलिंग आ रही है, तैर कर ऊपर आ गया, तेल गरम है। और हमें आलू लच्छा तलने के लिए बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, जितने लच्छे एक बार कढ़ाई में आ जाए उतने डाल देते हैं। लच्छा डालने के बाद तेल पर एकदम झाग आ गए थे, वो झाग अब काफ़ी कम हो गए हैं। लच्छों को हम थोड़ा सा पलट देंगे, इनको हम इस तरीके से थोड़ा सा चला देंगे और इनको हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। मीडियम हाई गरम तेल होना चाहिए और मीडियम गैस होनी चाहिए। आलू लच्छे का कलर एकदम चेंज हो गया है, अच्छा ब्राउन दिख रहा है। ये सिककर तैयार है, इसे निकाल लेते हैं। तो इसे हम इस तरीके से एक गहरी कलछी में रखते जाएंगे और कलछी को कढ़ाई के ऊपर ही रखेंगे ताकि इसमें से जो तेल निकल रहा है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। और गैस हमने एकदम धीमी कर दी है अभी, ताकि हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और ये कलछी अभी हम प्लेट में रख देते हैं, तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। और अब फिर से गैस तेज कर लेंगे, सारे आलू लच्छा को इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये आलू लच्छा हम टिश्यू पेपर पर रख देते हैं, तो बचा हुआ जो तेल रहेगा वो इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा। निकालते समय गैस धीमी कर देंगे। ये हमने सारे आलू लच्छा तलकर तैयार कर लिए। अब हम साबूदाने तलेंगे। साबूदाने तलने के लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए, तो थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं। साबूदाने को हम सारे ही डाल देते हैं एक साथ। तेल मीडियम गरम है, गैस धीमी है, इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे, साबूदाने अच्छे फूलते जाएंगे और अंदर तक सिक जाएंगे। गैस मीडियम कर लेते हैं। साबूदाने अच्छे फूल गए हैं और अंदर तक सिक गए हैं। इन्हें सिकने में 6 मिनट लगे हैं। गैस का थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे साबूदाने फूल कर सिक कर तैयार होंगे। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और फिर से हमने गैस को बहुत कम कर दिया है, धीमा कर दिया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तेल का टेम्परेचर हमने काफ़ी कम कर लिया है। अब हम ये बादाम डालेंगे। 1/2 कप बादाम लिए हैं हमने और इन्हें बिल्कुल हल्का सा फूलने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक तलेंगे। गैस लो मीडियम रखेंगे। बादाम अच्छे फूल गए हैं, फटने लगे हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये सिक गए हैं और इन्हें सिकने में सिर्फ 1.5 मिनट लगा है। और ये 1/2 कप काजू, इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक तलेंगे। गैस लो मीडियम रखेंगे। काजू का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। ये बादाम हम इस प्याले में डाल देते हैं और काजू को निकाल लेते हैं और इन्हें तलने में 1 मिनट लगा है। ये ड्राई फ्रूट तेल बहुत कम पीते हैं। अब ये 1 कप मूंगफली के दाने, इनको भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक तलेंगे। गैस लो मीडियम रखेंगे। काजू भी हम इसी प्याले में डाल देंगे और मूंगफली भी हमारी तलकर तैयार हो गई है। मूंगफलियाँ फटने लगी हैं, अच्छी खुशबू आ रही है, निकाल लेते हैं इन्हें। और मूंगफली तलने में हमें 6 मिनट लगे हैं। मूंगफली का कलर भी चेंज दिख रहा है।
गैस एकदम धीमी है तो ये नारियल हम एकदम कम गरम तेल में डालेंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए एकदम हल्का कलर चेंज होने तक इसे हम भून लेंगे। मूंगफली के दाने हम इधर ही डाल देते हैं और ये हमारे नारियल भी सिक चुके हैं, बिल्कुल 1 मिनट लगा है इन्हें तलने में, हल्का सा गुलाबी कर लिया है हमने इन्हें। अभी हमारे पास ये खरबूजे के बीज और मखाने बचे हुए हैं, इन्हें हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा तेल डालकर रोस्ट करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और गरम होने देते हैं। पैन गरम हो गया है, ये बीज हम पैन में तलने के लिए डाल देंगे। 1 कप हमने खरबूजे के बीज लिए हैं, इन्हें हम लगातार चलाते हुए पूरी तरीके से फूलने तक, हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। बीजों से चट-चट की आवाज़ आ रही है, बीज अच्छे फूल गए हैं और कलर भी चेंज हो गया है। और इन्हें भी मैं प्याले में डाल देती हूँ। इन्हें रोस्ट होने में 1.5 मिनट लगा है और अब हम ये मखाने रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल डाल देंगे। गैस लो मीडियम रखेंगे। 2 कप मखाने लिए हैं हमने, इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। मखाने गोल्डन दिखने लगे हैं, कलर चेंज हो गया है और इन्हें सिकने में 7 मिनट लगे हैं। बस इस तरीके से हिलाते रहें, आग हमने लो मीडियम रखी है। ये सारी चीज़ें हमने तल भून कर तैयार कर ली, अब हमें इन्हें मिक्स करना है। तो अगर हम देखना चाहें कि मखाने कैसे तले हैं तो इस तरीके से तोड़े, एकदम क्रिस्पी है। इसी तरीके से ये जो साबूदाने हैं वो हम तोड़े, ये भी अच्छे से क्रिस्प हो गए, पूरा टूट रहे हैं। सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी बनी है और ये नारियल हम इसमें मिला देते हैं और आप देखेंगे कि प्लेट में बहुत सारा तेल आ गया है, तो ये तेल इन चीज़ों से निकल गया है। 1/2 कप किशमिश है, इन्हें हम ऐसे ही मिला देंगे। ये बोल काफ़ी ऊपर तक भर गया है और अभी ये 2 चीज़ें और मिलानी है। हम इसे मिक्स करने के लिए बड़ा बर्तन ले लेते हैं। साबुदाने और ये आलू लच्छा, इसमें हम 3 छोटी चम्मच सेंधा नमक मिला रहे हैं और 1.5 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। व्रत के लिए नमकीन बना रहे हैं, मसाले कम ही डालते हैं। अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं खाने के लिए तो उसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी मसाले आप डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा व्रत वाला नमकीन मिक्सर बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है और आसानी से बन जाता है। लेकिन अपने ड्राई फ्रूट्स को तलते भूनते समय थोड़ा ध्यान रखना है, उन्हें प्रॉपर तरीके से तलना है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आपको ना पसंद हो उसे हटा सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमकीन मिक्सर को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इसे पूरे आप 1.5-2 महीने तक खा सकते हैं, सभी को पसंद आता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।